जो हम लोगों ने कल सजीव निर्जीव के बारे में जाना, सजीव निर्जीव के बारे में जाना ना, आओ एक हम लोग कहानी सुनते हैं। एक राजा थे, कौन था? उनका नाम था कीर्तिवर्धन। क्या नाम था? हाँ, कीर्तिवर्धन। और उनका एक हाथी था। क्या था? हाथी का नाम था ऐरावत। क्या नाम था? ऐरावत। बहुत ही बलशाली था। जब वो बच्चा था तभी से उसको जंगल से पकड़ के लाया गया था। और उसको कुशल महावत हो, महावत जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते हो? हाथी की जो देख रेख करते हैं, हाथी को प्रशिक्षण देते हैं, हाथी को सिखाते हैं, उन्हें हम महावत कहते हैं। और हाथी कहाँ रहता है? जंगल से जब लाया जाता है तब कहाँ रखा जाता है? उसको जब पालतू बनाया जाता है तो हाथी खाने में कहाँ रखा जाता है? हाथी खाने में वो हाथी रखा गया था। उसको कुशल महावतों और कुशल पोषण देने वाले सेवकों के साथ उसको रखा गया था, हाथी को। हाथी धीरे धीरे बहुत बलशाली हुआ और वो राजा को विभिन्न युद्धों में विजय दिलाया। लेकिन जिस प्रकार से काल का क्रम चलता रहता है, पहले बालपन, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर आदमी का होता है या किसी कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी काल क्रम में हाथी भी था, क्योंकि हाथी भी एक जीव था। राजा विभिन्न प्रकार के युद्ध उस हाथी की सहायता से जीता। हाथी राजा को बहुत ही प्रिय था। हाथी क्या था? वो हाथी को खोना नहीं चाहता था और उसको रखने के लिए, लेकिन जब वो वृद्ध हो चुका था तो राजा के रोकने से भी वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि इस कटु सत्य को राजा स्वीकार नहीं करना चाहता था। और राजा ने उस हाथी को अपने एक बहुत ही समृद्ध गांव में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उस गांव में सभी लोग संपन्न थे और राजा आश्वस्त थे कि यहाँ पे हाथी का देख रेख सही से होगा। लेकिन वो कहे कि प्रत्येक दिन हर घर से इस गांव के एक व्यक्ति हमको हाथी का कुशल क्षेम बताने के लिए, हाथी के कुशलता का समाचार बताने के लिए हमारे दरबार आएगा। कौन कहा? राजा ने कहा। जिस तरह से राजा ने निर्धारित किया, उस तरह से गांव से प्रत्येक व्यक्ति एक घर से सूचना लेकर के जाता था। एक घर से एक आदमी, प्रत्येक घर से निर्धारित था कि इस घर से एक आदमी जाएगा, इस घर से एक आदमी जाएगा, आज इनका दिन है, आज इनका दिन है, आज फले का दिन है, फला का दिन है। इस तरह से लोग निर्धारित कर रखे थे। लेकिन अगर जो कहे थे राजा ने, एक शर्त भी रखी थी कि जिस दिन कोई हाथी के मृत्यु की सूचना लेके आएगा उसको दंडित किया जाएगा। कौन सा दंड दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। कौन कहा था? राजा ने कहा था। एक दिन एक गरीब किसान की बारी थी। उस दिन हाथी 4 बजे भोर में प्रातः काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो वीर था, इसलिए हम कहें कि वीर गति को प्राप्त हुआ। हाथी क्या हुआ? हाथी था कि हाथी थी? शाबाश, ताली बजाओ। तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन किसी के अंदर साहस नहीं था कि जाके बताए राजा को कि हाथी मृत हो गया। उस दिन किसान की बारी थी। किसान बहुत ही चिंतित हुआ, आज तो मुझे राजा के मृत्यु दंड का भागी होना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक बहुत ही चालाक किसान था। कहा कि हे किसान मित्र, आप परेशान ना हो, आपके बच्चे छोटे हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सबको शादी ब्याह कर दिया हूँ सबका, और मैं खाली हूँ, मैं राजा के दरबार में जा सकता हूँ यह सूचना लेकर के। लेकिन वो एक उपाय जानते थे, जो किसान थे। वो किसान गया,
वहां पे कानों कान खबर हो गई थी दरबारियों को, दरबार में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब तक किसान पहुंचो, सबको राजा के मृत्युदंड का भी पता था कि राजा मृत्युदंड देंगे जो हाथी के मरने की सूचना देगा, इसलिए कोई कह भी नहीं सकता था। ये किसान पहुंचा, राजा को पता था, रोज राज दरबार सजा हुआ था, लोग दरबारी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे, मंत्रीगण अपने आसन पर बैठे हुए थे, राजा अपने आसन पर विराजमान थे, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था कि किसान आज कहेगा। कुछ लोग जानते थे, उन लोग तो जानते थे कहेगा, लेकिन किसान पहुंचा और कहा, कहो किसान, हाथी का समाचार सुनाओ, कुशल क्षेम सुनाओ। किसान कहा, महाराज आज वीर ऐरावत प्रातः काल 4 बजे से न बोल रहा है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न पानी पी रहा है, न खाना खा रहा है, अन्न जल त्याग दिया है महाराज, और तो और सांस भी नहीं ले रहा है। तो राजा ने कहा, तो इसका मतलब कि हाथी मर गया। किसान ने कहा, महाराज ये तो आप कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ये तो आप कह रहे हैं। राजा समझ गए कि इसके कहने का मतलब क्या था, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ और हाथी के एक योद्धा की तरह उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, क्योंकि वो हाथी वीर था और योद्धा की तरह उस हाथी का अंतिम संस्कार किया गया।